मेरा विजन मलकपेट को हेल्थ एजुकेशन और स्पोर्ट्स हब बनाना है। ये बात एमएलए बनने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, बनने से पहले बोल रहा हूँ। ये मेरा विजन है मलकपेट के बारे में। ये मेरा कहना नहीं, कांग्रेस एमएलए कैंडिडेट शेख अकबर का कहना है। अंदर की नमस्कार। मीटिंग में लास्ट में जनरली क्या है, मेन कैंडिडेट को लास्ट में टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पे टाइम का भी पाबंदी है। मैं इसलिए कांग्रेस के बारे में मैं भी समझाना नहीं है, हमारे सीनियर्स जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी से अवाम के खिदमत में सालों भर उन लोगों का लाइफ गुजारे, अवाम के लिए काम करे, उन लोग मेरे सामने है, उन लोगों के जबान से भी अगर आवाज आई वो सच्चा है, क्योंकि उन लोग प्रूव करे। मैं जो पॉलिटिक्स में नया नया हूं, अगर मैं कांग्रेस के बारे में बात कर रहा, कांग्रेस का डेवलपमेंट की बात कर रहा, तो कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता, लेकिन मेरा जो सीनियर्स है उन लोगों बात करे तो उसमें इंपॉर्टेंस रहता, आपको मालूम भी रहना चाहिए, इसलिए तो मेरा सीनियर्स को इंपॉर्टेंस दिया। मैं मलिक साहब एक बात बोले, मोस्ट इंपॉर्टेंट विजन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? विजन रहना चाहिए। कोई भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी देखो आप, मैंने बिजनेस अगर पढ़ाई में सक्सेसफुल होना, बिजनेस में सक्सेसफुल होना, पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होना, एक विजन रहना चाहिए, गोल रहना चाहिए। अगर विदाउट गोल विदाउट विजन कोई भी बंदा सक्सेस नहीं होता, ये मैं मानता हूं। मैं विजन के साथ काम करता हूं, मैं सक्सेस हुआ। अगर कोई बंदा 15 साल पहले कुछ विजन रखा मलकपेट के लिए, आज मलकपेट ऐसा नहीं रहता था, कुछ नहीं था। अगर विजन रहा तो आज ये डिस्कशन नहीं करते थे अपन। मैं एक विजन के साथ आया हूं, मैं मेरा तकरीर में बोला और मीटिंग में बोल रहा हूं, मेरा विजन है मलकपेट को हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स हब बनाना है, वो मेरा वादा है, मेरा विजन है। ये बात मैं एमएलए बनने के बाद नहीं बोल रहा हूं, बनने से पहले बोल रहा हूं, याद रखो, ये मेरा विजन है मलकपेट के बारे में। आदमी का सोच रहना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग बनना, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन रहना। अगर आपके पास विजन नहीं है कुछ नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, मेरा माँ बाप का दुआ है मेरे साथ है, मैं अच्छा सोच रखने वाला हूँ, अच्छा ही सोचने वाला हूँ, मेरा नियत साफ है, इंशाल्लाह ताला आपके लिए अच्छा नियत से आया हूँ, अच्छा करूंगा, ये मेरा वादा है। अवाम अभी मलकपेट में छोड़ बहुत सारी चीजें मसले है, अगर ये एरिया में देखो आप, जूनियर कॉलेज गर्ल्स जूनियर कॉलेज है, कितने स्टूडेंट्स है उसमें, कितने टीचर्स है उसमें, क्या पढ़ाई हो रहा, कुछ नहीं, डिग्री कॉलेज कुछ नहीं। तो बच्चों को पढ़ाने का हक नहीं है क्या? गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, लड़का और लड़की को शिक्षा देने का गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, अच्छा हेल्थ सेंटर खोलने का जिम्मेदारी गवर्नमेंट का है। इसमें लास्ट 15 साल से 100% फेल है। मेरा फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन पे रहेगा इंशाल्लाह ताला, उसके साथ में हेल्थ पे रहेगा 100% और स्पोर्ट्स में भी रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वरा मलकपेट में, अगर मैं जो रेगुलर पदयात्रा कर रहा हूं, मस्जिद को जा रहा हूं, यहां पे बड़ा गड़बड़ हो रहा, मुझे कॉलोनी में फिरने का इजाजत नहीं मिल रहा, उसके लिए MIM का परमिशन लेना, गवर्नमेंट का परमिशन नहीं। यहां पे मैं बाजाबता परमिशन लेके अगर पदयात्रा कर रहा हूं, कोई रोक नहीं होना चाहिए। पूरा एंटायर तेलंगाना में चल रहा पदयात्रा, लोगों का डिस्कशन हो रहा, लेकिन यहां पे क्या हो रहा, रुकावट आ रही, बैठो बैठो कुछ नहीं होता, कोई भी कुछ नहीं करने वाले, कोई भी कुछ भी करने वाले नहीं, चलो छोड़ो, ओके बैठो बैठो आराम से बैठो, पुलिस वाले देख लेते हो, पूरा गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, पुलिस वाले का जिम्मेदारी है, डोंट वरी, ओके। सो यहां पे अगर मस्जिद को गया नमाज पढ़ने के वास्ते, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर पे जाने का मुसलमान का हक बनता, बनता नहीं बनता, लेकिन उन लोगों को दर्द हो रहा, अरे वो कांग्रेस का है तो नहीं जाना है क्या? वो सभी पार्टी का होने दो, मैं मुसलमान हूं पहले, उसके बाद पार्टी है, राइट, मेरा हक है, कोई नहीं रह सकता इंशाल्लाह ताला। मलकपेट वाले मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं सोचा भी नहीं था इतना धर्म है पब्लिक, इतना गुंडागर्दी हो रहा, इतना दबाव है, तो इंशाल्लाह ताला एक बटन से 30 नवंबर वन डे इज एनफ, एक दिन पास है आप लोगों को, छोटा उंगली, जस्ट उंगली से बटन दबाए
निकल जाता है पूरा हवा, निकल जाता ना इंशाल्लाह पक्का तय हो गया। अवाम मलकपेट वाले 100%, मलकपेट वाले प्रति ओक्करू डिसाइड अयिपोयारु ఈ సారి ఎంఐఎం ని తరిమి కొట్టాలని అందరూ తరిమి కొడతారు, డిసైడ్ అయిపోయారు. ఎస్ ఆర్ నో? మలక్పేటలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సోదరి సోదరులకు అన్నదమ్ములకు అక్క చెల్లెళ్లకు ఒకటే బాధ, ఇక నుంచి మీకు ఎంఐఎం గుండాగర్ని ఉండదు, 100% అక్కడి నుంచి తరిగిపోతుంది, తరుగుతుంది బాధ్యత మనది, 100% తీసుకోవాలి. ఇది మనది, హిందూ ముస్లిం అందరు ఉన్నారు ఇక్కడ, 50% ముస్లింస్ ఉన్నారు, 50% హిందూస్ ఉన్నారు. ఏ యొక్క మజబ్ సంబంధించింది కాదు, ఇది మనది, మనందరిది, హిందూ ముస్లిం భాయి భాయి అదే విధంగా ఉండాలి. మలక్పేట మనది, ఇలాంటి గుండాగర్ది ఏ పార్టీ సంబంధించినది నడవదు, నడిస్తే తరిమి తరిమి కొట్టే బాధ్యత మనం తీసుకోవాలి, 100% తీసుకుంటాను అనుకుంటాను. ఇది నా విజయం కాదు, ఇది మన అందరి విజయం కావాలి. ప్రతి ఒక్క యువకుడు ఉద్యోగం గురించి ఫైట్ చేయాలి, ప్రతి ఒక్క యువతి ఉద్యోగం గురించి ఫైట్ చేయాలి. ప్రతి ఒక్కరం కలిసి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు మన విజయం పెద్ద విజయం అవుతుంది. మన సక్సెస్ ఎంటైర్ ఇండియాలో ఒక రికార్డు కాబోతుంది. ఆ రికార్డు మీరందరూ భాగస్వామి అవుతున్నారు. 100% December 3rd వచ్చే రిజల్ట్ ఇండియా మొత్తంలోగా అద్భుతం, ఇది ఒక గ్రేట్ విజయం కాబోతుంది, బలపడ్డ విజయం కాబోతుంది. అందరికీ నమస్కారం, అస్సలాం అలైకుం. కాంగ్రెస్ పార్టీ लगा रहे माइक के सामने।